चलिए हम लोग बात करते हैं, समझ गए टेंस का, ठीक ना। टेंस का और वीडियो हो गया, अभी दुर्गा पूजा आया था, क्लास आपका रुक गया था, फिर शुरू करते कंटिन्यू वहीं से। टेंस में पास्ट टेंस चल रहा था, ठीक। अब पास्ट टेंस यानी दो नंबर आपका था, पास्ट टेंस में थर्ड नंबर, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाम बहुत यूनिक है, समझ गए। इससे पीछे वाला जितना भी क्लास है सब आपका वीडियो अपलोड हो गया है, अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ गए। सबसे पहला हम लोग का नियम क्या होता है, देसी अंदाज पहचानना, ठीक है। लिखेंगे हम लोग हैशटैग पहचानने का नियम कि सर इस टेंस को हम कैसे पहचानें, समझ गए। तो सबसे पहले कुछ वर्ड आपको दिख रहा होगा जो पहले से ही आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे टेंस वर्ब है तो टेंस। अगला वर्ड आपके पास क्या है, पास्ट, पास्ट यानी था, पास्ट यानी था, आप थॉ बोल सकते हैं, जो थॉ से तीन वर्ड बनता है, पता है ना, था थे थी। एक नया वर्ड फिर से आया आपके पास, परफेक्ट, ये नया वर्ड नहीं है, पुराना ही वर्ड, प्रेजेंट परे थे, क्या मतलब है इसका, चुका, चुका, क्या मतलब था, चुका, ठीक। अब तीनों से मिला के आप सेंटेंस बनेगा, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, वह खा चुका था, मतलब बड़ी आसानी से वह खा चुका था, हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ गए, बस यहाँ पर है था, लेकिन इस बार क्या आ गया, हम लोग जो पढ़े हुए इसमें क्या था, है, अब क्या आ गया, हम जानते हैं टेंस का सबसे साधारण नियम है कि जिसके अंत में था रहे पास्ट टेंस। अब आता है बनाने का नियम, बनाने का नियम, सबसे पहले इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस गौर की यहाँ पर क्या था, हैव है, है ना, तो हैव है जो क्या कर देना है, भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यानी क्या होता है, शुरू वाला, वह क्या होता है, ही, हेड के साथ सब के साथ, तो ही हैड, भीतरी क्या होता है, इटेन, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ले लेंगे, ठीक ना। इस एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका था, है ना, आई हैड प्लेड क्रिकेट, कोई दिक्कत है नहीं, यानी हम लोग प्रेजेंट जैसे पढ़े थे वैसे पास्ट भी है, तो प्रेजेंट से पास्ट करने का जो चेंज का नियम था बता दिए थे कि कुछ नहीं करना आपको, जहां पर प्रेजेंट था वहां पे पास्ट कर देना, ठीक, जहां पर इज एमआर था वहां पे वाज वेयर कर देना, जहां पर हैव एज था वहां पे हैड कर देना, चेंजिंग नियम था ना, बस उसी चेंज के नियम से हम लोग बना लिए। सर प्रेजेंट पास्ट में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज होंगे कैसे, यदि है रहे तो प्रेजेंट, था रहे तो बाकी सब चीज, यदि प्रेजेंट में हो गया तो हैव है, पास्ट में तो हैड, सर परफेक्ट में नियम क्या है, चुका चुकी, ठीक। तो ये टेंस आपका भारी नहीं, समझ गए, ये आपका भारी नहीं है, इसे आगे जो अभी पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छा है, समझ गए, कि अभी तक जो पढ़े थे इसमें एक बार में एक ही वर्ड था ना, लेकिन अब आने वाला एक साथ दो दो वर्ड, समझ गए, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी बच्चा जब टेंस शुरू करता है ना तो सबसे पहले माइंड में वही चलता है कि सर हम लोग टेंस शुरू किए, आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, अब वहां तो बेसब्री से इंतजार रहता है, जब आते हैं वहां पे तो डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे, ठीक। तो आज अपना देसी अंदाज देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक ना, चलिए आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए यानी जो पास्ट टेंस का सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ गए, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक, जितना टेंस पढ़े हैं ना
उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे भले आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, आप इंग्लिश अनुवाद सीख सकते हैं, समझ गए, हिंदी से इंग्लिश करना सीख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप जो पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लगता है क्वेश्चन ये सब पढ़ने वाला चीज है, ठीक। चलिए, पास्ट टेंस हेडिंग ही रहेगा, लेकिन अब बनेगा जब एक साथ दो एक्शन हो, जब एक साथ दो एक्शन, यानी एक ही साथ दो एक्शन में क्या होता है काम, मेन वर्ब, यानी जब एक साथ दो काम हो जाए एक ही बार में। जैसे सर समझे ना, एग्जांपल बताइए तो, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी, देखिए आप लोग लग गया होगा, जी सर ये क्वेश्चन तो आज से नहीं बचपन से माइंड में चल रहा है, ये क्वेश्चन ही फेमस हो गया, लगता आसान है लेकिन इसके बनाने के जो प्रोसेस आते हैं वहां पे हम लोग फंस जाते हैं, समझ गए। अब फिर मन में एक ही बात चलता है कि हम लोग इंग्लिश से ठीक नहीं है तो कैसे होगा, जिन लोग अभी से बन जाता है तो सब लोग तेज होगा, बचपन से पढ़ा होगा, हम लोग पढ़े ही नहीं इसलिए हमसे नहीं बन रहा, ठीक ना। तो ऐसा माइंड में नहीं आने देंगे, ठीक, क्योंकि मेरा प्रोसेस जो है, मेरा तरीका जो है, कितनों कमजोर हिंदी मीडियम वाला हो आसानी से बना सकता है, ठीक ना, आसानी से इसको पहचान भी सकता है, आसानी से बना भी सकता है, समझ गए, कितनों कमजोर बच्चा, ठीक। जैसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं किस्मत में कि हमारा किस्मत में पढ़ाई लिखाई नहीं है, जब सर गुस्सा आ जाते हैं, सर डांट देते हैं, कभी कभी नहीं होता है कि सर लोग बचपन से पढ़ लेता, हम लोग पढ़ ला ही नहीं इसलिए हमसे नहीं हो रहा, ठीक, इसके लाइन है, समझ गए, ठीक ना। अब सुनिएगा अच्छा, फिर क्लिपिंग चलेगा ही, ठीक ना, कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, ठीक, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम यदि तुझ में तो अपने खून से लिख दे कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो इसे मिटाकर दिखा, समझ, मेरे किस्मत में नहीं, हम जो चाहेंगे इसे कर ले, कितना किस्मत के भरोसे होता है, किस्मत में क्या, हम लोग खुद मेहनत करके लिख देंगे, यदि मेरे किस्मत में नहीं भी है ना तो हम अपने खुद से जोड़ लेंगे, कितना तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी किस्मत में नहीं, तुमसे नहीं होगा, इसके लिए रिप्लाई दे देंगे कि भाई किस्मत में तो ठीक है नहीं है, लेकिन किस्मत में लिखने से कौन रोक सकता है हमको, मेरा किस्मत हम खुद लिखें, समझ गए। तो कभी भी डरना नहीं, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, देख के डरना नहीं है, इसको इतना सिंपल वाइज सीखेंगे, इतना सिंपल तरीके से कि आसानी से सबसे ईजी तरीका लगे, सबसे हौला वही लगेगा। सर इसको पहले समझाइए फिर से दोबारा, ठीक ना, हेडिंग है जब एक साथ दो एक्शन हो, यानी दो एक्शन यानी दो काम, ट्रांसलेशन को पढ़िए तो मिलेगा, दो काम हो रहा है, डॉक्टर के आने यानी एक काम यहाँ हो रहा है के पहले से रोगी मर चुका था, मरना भी एक काम हो रहा है ना, यानी दो एक्शन, एक एक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक एक्शन यानी दो वर्ब हो गया, जब एक वर्ब रहता है तो V1 V2 V3 कुछ करके बना रहता है आराम से, है ना, कोनो में V1 कोनो में V2 आराम से बन रहा था ना, लेकिन सर जब एक साथ दो दो हो जाए, अभी तो कोई स्ट्रक्चर दो वर्ब नहीं था, वन एक ही था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दो एक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, डॉक्टर के आना पहला काम और रोगी के मरना दूसरा काम, तो इसमें दो काम हो रहा है, समझ गए, दो काम, तो आपको बनाने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि पहला काम कौन हो रहा है, समझ गए, तो इसको पहचानना पड़ेगा, डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर आया भी नहीं है, रोगी मर चुका था, रोगी पहले मर गया, तो पहला काम रोगी का मरना और दूसरा काम डॉक्टर के आना, तो इस प्रकार के सेंटेंस जब दें तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ पढ़ के पहचानना पड़ेगा, ठीक ना। अब पहचानना है सर क्या, लिखेंगे पहचानने का नियम क्या, कि फर्स्ट एक्शन सेकेंड एक्शन, यानी पहले कोई काम हुआ होगा दूसरा भी कोई काम हुआ होगा, इसको पहचानना है, समझ गए। तो जो पहला काम यदि पहचान ली तो क्या बोल रहा है कि पहले काम को आप बनाइए पास्ट परफेक्ट में, किसे बनाइए, जो बाद वाला है इसको सिंपल पास्ट में, बस यही पहचानना था कि जो सबसे पहला काम होगा, पहला देखिए दोनों काम हो रहा है,
कोई काम तो पहले हो रहा होगा ना, दोनों साथ नहीं हो सकता है। पहले काम कौन हुआ? रोगी का मरना, पूरा लेके चलेंगे रोगी का मरना। हाँ, तो जो काम पहले होगा फर्स्ट में उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसे सिंपल पास्ट में। ठीक, समझ गए? अब बीच में यदि पहले बिफोर रहेगा, पहले रहता बिफोर, बाद में रहे तो आफ्टर, इतना लगा ही लेंगे। लेकिन पहले ये सीखना है कि फर्स्ट एक्शन को पास्ट परफेक्ट में और सेकंड एक्शन को सिंपल पास्ट। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसमें दिखाना था क्या मुझे आप लोगों को, इसमें दिखाना क्या था कि आपको काम पहचानना है। ठीक है सर, हम काम पहचान नहीं है बढ़ेगा। ये डॉक्टर के आना जो है ना, डॉक्टर का आना ये एक काम हो रहा है, और रोगी का मरना भी एक काम हो रहा है। तो सर ये फर्स्ट एक्शन है, ये सर सेकंड एक्शन है। दो काम तो हुआ, हम लोग आसानी से पहचान भी लिए कि पहला काम सर ये हो रहा है। तो पहला काम को बोला है क्या, क्या बोला वो? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा काम को सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में। पहला काम पास्ट परफेक्ट, दूसरा काम सिंपल पास्ट। इसका नाम सुनते ही स्ट्रक्चर चलना चाहिए हेड प्लस, इसका नाम सुनते चलना चाहिए। सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लीजिएगा, देखिए बार बार लिखने से फायदा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब जगह होता है, तो क्यों लिखेंगे, ये कंपलसरी है। ठीक, मैं नहीं याद करना, हेड प्लस ये आपको जब भर फॉर्म्स पढ़ाएंगे इसका अगला टॉपिक, तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। समझ गए कि सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक ना, आपको पहचानना पड़ेगा। यदि एक वाला एक्शन में यदि हेड प्लस बी थ्री दे दिया हुआ है तो अगला वाला पक्का बी टू लेंगे, यदि बी टू दे दिया है तो अगला वाला हेड प्लस बी थ्री पक्का होगा। यानी याद कर लेना कि जब एक साथ दो एक्शन हो, जब एक साथ दो एक्शन हो तो एक एक्शन हेड प्लस बी थ्री और एक एक्शन बी टू, कौन कैसे होगा? तो पहला वाला हेड प्लस बी थ्री और दूसरा वाला बी टू। आसानी से इसको पहचान लेंगे, सब बना के दिखाइए, है ना, सब बनाते हैं। ठीक, आप लोग इसको ले लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट, चार नोट कर लीजिए आप लोग, मिटा दे इसे। चलिए अब बनाते हैं इसी ट्रांसलेशन को, हम लोग बनाते हैं, सीख तो लिए कि पहला काम को हेड प्लस बी थ्री लेना है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जब मिले तो इसको बनाने से पहले इसको पढ़िए बार बार। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहला काम कौन हुआ? रोगी का मरना, पहला काम हो रहा है। तो पहला काम को हेड प्लस सब्जेक्ट कुछ दिख रहा है जिस रोगी, तो द पेशेंट हेड, देखिए पहला काम था आराम से बना लिए पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस बी थ्री में। अब बीच में क्या बोला है, जो से लगा लीजिए, पहले तो क्या लेंगे बिफोर हो गया, और डॉक्टर के आना डॉक्टर, तो डॉक्टर आना के कम, लेकिन बोला भी टू लेंगे, क्या लेंगे हम लोग कैम, इतना ट्रांसलेशन कितना आसानी से बना है कि नहीं? सबसे पहले क्या किया, यानी ट्रांसलेशन को सब दो भाग में बांट के, नहीं बांट दिए, एक भाग बांट दी जो पहले हो रहा है, एक भाग जो बाद में हो रहा है, अब बीच में बिफोर या आफ्टर लगा लेंगे। ठीक ना, ठीक। तो पहले काम को याद करना, जो पहला होगा हेड प्लस बी थ्री, जो बाद में होगा उससे बनली बी टू, बहुत आसान है कि नहीं? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समझ गए? आप दूसरा माइंड लगाइए कि सर वो कैसे रहा। ठीक ना, चलिए कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, बनाते हैं रूटीन। मेरे आने के पहले ही, मेरे आने के पहले ही देखिए, ट्रांसलेशन को देख के डरना नहीं, सबसे पहले आपको पेशेंस होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि आप डर जाइएगा तो फिर आपसे नहीं होगा। ठीक, क्या बोले नियम, सबसे पहले इसको पढ़िए आप, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, फिर से पढ़ेंगे, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था। दो काम हो रहा है, एक मेरा आना और उसका वह जाना, पहले कौन काम हो रहा है इसमें, मेरे आने के पहले हम आए भी नहीं थे, वह चला चुका। सर ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है,
तो क्या नियम क्या है? पहले वाले को हेड प्लस इसको लाइए। सब्जेक्ट क्या है? ही हैड गॉन। अभी जो पहले का इसको बुलाना बाद में, मेरे का क्या होता है? आई, पता है ना? अब मेरे आना आना एक काम, लेकिन भीतू लेना याद करना, सेकंड एक्शन आई कैम। देख रहे हैं, अरे इतना बड़ा बड़ा चीज को हम लोग आसानी से बना ले रहे हैं। सर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक ना, आपकी सुविधा के लिए। चलिए आप लोग तो भी ट्राई कीजिएगा, आपके दे रहे हैं ठीक है बनाने के लिए आपको, आप ट्राई कीजिए। तो डरना नहीं है, समझ, इसको बड़ा देख के डर जाइएगा तो आप हाफी बोल रहे, ठीक ना। क्वेश्चन पहला है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। चुकी कर दे, सॉरी मिस्टेक था, खुल चुकी थी। मेरे आने के पहले वह सो चुका था, मेरे आने के पहले वह सो चुका था। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, चलिए हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, समझ गए। तो सबसे पहले क्या बोला है, इसको पढ़ना है। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। पहले काम क्या हुआ है? गाड़ी के खुलना की पहुंचना, गाड़ी खुलना। अच्छा बताइए, गाड़ी पर बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर वैन ले कि व्हीकल ले, तो बताइए स्टेशन पहुंचना, स्टेशन से कौन सा गाड़ी खुलेगा? ट्रेन ही खुलेगा पक्का। तो ट्रेन यहाँ पे हिडन रहता है, समझ गए। तो क्या लिखेंगे? द ट्रेन हैड, अब खुलना के स्टार्ट नहीं, स्टार्टेड क्या भीतरी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई, जब कर्सिव लिखा गया सही कर देते हैं इसको, आई रीच द स्टेशन, हो गया। मेरे आने के पहले वह सो चुका था, पहले काम कौन है? सोना। ही हैड स्लेप्ट बिफोर मेरे आना, आई कैम आई कैम, हो गया। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, पहले काम कौन हुआ? द बेल बजना के रिंग रिंग रैंग रंग, द बेल हैड रंग बिफोर बिफोर आई रीच द स्कूल। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पहले कौन कम हुआ? चोर भाग गया। द थीफ हैड
फ्लीड अवे, भागना के फ्लीड अवे, समझ गए? बिफोर द पुलिस कैंप। अब लग गया कि सबसे इजी वाला यही कि नहीं है, भारी तो है लेकिन इजी है, ठीक है? क्या लोग पढ़ने के तरीका से देसी अंदाज, यानी सेंटेंस को तोड़ के पढ़ रहे हैं, समझ गए? एक ही बार मैंने सिखाते तो संभव था। चलिए, यानी चौथा नंबर आपका है बेटा, दे वाला सर। चलिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? नहीं सर। आप अपने दिक्कत को आराम से पूछ सकते हैं, समझ गए? चलिए, तो चौथा नंबर इसका है क्या, बताइए था आप लोग? जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नाम वही है, बस प्रेजेंट को पास्ट कर दिया गया, वर्क कर रहा है? तो सबसे पहले हम लोग का नियम क्या है, क्योंकि पहचान बन गया तो अपना हो जाएगा फिर, ठीक नहीं? बोलते हैं जैसे कोई अननोन पर्सन आता है जितना अजीब लगता है, वो नहीं मुंह फुला के बैठा लगता है, मुंह फुला के बैठा लगता है, यानी अजीब लगता है, दोनों एक से बात करता है, थोड़ा सा कहीं रूबरू दोस्ती हो गया, हाय चाल हो गया, तो फिर तो घर तक पहुंच जाएंगे, खाली एड्रेस देना चाहिए, वही ना? पहचानने का नियम, समझ गए? पहचान बन गया तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे आपकी कहानी है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, 12th के हिंदी में उसने कहा था, समझ गए? इसमें एक लड़का लड़की दिखाया गया है कि लड़का लड़की नहीं, दो छोटी छोटी बच्ची रहती है, दोनों मामा घर, लड़का ही मामा घर और लड़की ही मामा के घर गए, ठीक है, और दोनों अजनबी होते हैं, बस एक बार थोड़ा सा हाल चाल पूछता है, लड़का एहन बेशरम होता है, लड़की घर तक पहुंच जाता है, समझ गए? वही खाली पहचान बन गया, तू किसी और का थोड़ी ना होगा, तो मेरा ही होगा, ठीक? तो पहचानने का नियम, सबसे पहले पहचान ही, कुछ वर्ड पहचान रहे हैं, टेंस है तो अगला, और कुछ और दिख रहा आपसे सर? पांच, यानी थॉ से क्या बनता है, एक नया वर्ड, फिर से दोनों वर्ड जान पहचान का लेकिन मिक्स करके, फिर भी सर जान पहचान हम लोगों का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस समय सूचक, ये सब जानते हो ना, सुबह से शाम से सुन होता है ना? चलिए, तो सर बनाएंगे कैसे, तो बल्कि बनाने का नियम वही चीज है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, ये गौर कर लेना, जहां जहां पर समय सूचक आएगा ना, बीन प्लस बिफोर पक्का आएगा, ये वर्ब फॉर्म से बहुत तगड़ा नियम क्वेश्चन है कि नहीं है, जहां पर आपको समय सूचक शब्द दिख गया मॉर्निंग वर्निंग इवनिंग वर्निंग, तो पक्का बीन प्लस बीफोर तो होगा, तो होगा, ठीक ना? सब्जेक्ट हैड बीन प्लस बीफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोरिया सेंस प्लस टाइम पीरियड, सर फोर सेंस का यूज आप लोग पढ़ा दिया गया है, वीडियो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझ गए? वही फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा, इस पार्ट में देखिएगा, फोर या सिंस का यूज दिखाएगा, फिर रिवीजन थ्रस्ट कर लेते हैं कि जितना संख्या वाला होगा, जितना कौन होगा संख्या वाला, सब में फोर लेंगे, बस अर्ते को 9 बजे वाला को छोड़ के, जैसे 9 बजे 8 बजे इसको छोड़ के, अब बाकी सब में क्या लगाएंगे सिंस। चलिए एक कुछ एग्जांपल देखते हैं, वह सुबह से खेल रहा था। सबसे इजी तरीका, लास्ट में था है तो पास्ट टेंस पक्का है, समय सूचक शब्द है, सीधा कहाँ पहुंचेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब बाकी दिक्कत है काम लोग, तो ही हैड बीन प्लेइंग, अब बताइए संख्या कोई है, चलेंगे सिंस सुबह का नहीं ना, तुम चार दिनों से पढ़ रहे थे, तुम चार दिनों से पढ़ रहा था, अब सही है ना?
थोड़ा सा हिंदी मत पकड़िए, इंग्लिश पकड़िए। क्या रखा है भावना? हाँ, तुम चार दिनों से पढ़ रहा था, ठीक ना? ठीक, तुम चार दिनों से पढ़ रहा था, तो ये क्या? यू हैड बीन रीडिंग रीडिंग नंबर दिख रहा है, तो क्या लेंगे? फोर डेज। कोई लग रहा है जान है इसमें? बेजान सब है कि नहीं? यही तो बोले, एक बार खाली पहचान बंद है तो फिर तो मेरा ही रहेगा, किसी और का होने देंगे कहाँ? ठीक, बस एक बार खाली पहचान, नाम कहाँ बता दे, एड्रेस दे दे, मोबाइल नंबर खोजिए लेंगे हम लोग। तो वही चीज है इसमें, ठीक है? इसको मजाक पर्पज से लीजिएगा, समझ गए? सीरियस में लेना, ठीक है? बस सिखाना क्या था कि कोई भी चीज जब पहचान बन जाता है ना, तो लगता है मेरे ही है, यानी लगता है जान पहचान का है कि नहीं? और फिर आसानी से कहीं भी देखते हैं उसे तो याद आ जाता है, अच्छा उससे कहीं लगता है मिले हुए। वही चीज है, सबसे पहले पहचान बनाइए, पहचान बन गया तो फिर तो बनाइए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलिए इसको नोट कीजिए।